वेलकम बैक स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फार्मा स्कॉलर्स अगेन दोस्तों हमेशा की तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को तो आइए आज क्रिस्तों क्रियर करते हैं इस टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स यानी कि जिनको हम सी भी कहते हैं तो क्या होते हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स ये होते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स हुज वेरिबिलिटी हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट ऐसे प्रोसेस पैरामीटर्स जिनकी वेरिबिलिटी से सीधा इम्पैक्ट जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे उनको हम क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स कहते हैं इसलिए सो दैट दिस पैरामीटर शुड बी क्लोजली मोनीटर कंट्रोल टू इंश्योर प्रोडक्ट ऑफ डिज़ायर क्वालिटी इसलिए इन पैरामीटर्स को जो है प्रॉपरली इंश्योर करते हैं ठीक है मॉनिटर किया जाता है क्लोजली उनको जो है कंट्रोल किया जाता है पैरामीटर्स को इन प्रोसेस पैरामीटर्स को प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है ताकि हमें जो प्रोडक्ट मिले जो ड्रग प्रोडक्ट मिले वो प्रॉपर डिज़ायर क्वालिटी का मिले एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स की अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें मशीन स्पीड है एक क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर इसके अलावा ड्वेल टाइम कंप्रेशन फोर्स ब्लेंडिंग टाइम तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स के ठीक है एफ एन डी जो एफ़ एंड डी डिपार्टमेंट जो है वो इस्टैब्लिश करता है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स को और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को जब भी जो है वो कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो उसके क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को एस्टैब्लिश किया जाता है और दोनों में लिंक एस्टैब्लिश किया जाता है आइए जानते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में और क्या लिंक होता है कैसे लिंक होता है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के आइए जानते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डेफिनेशन जान लेते हैं पहले फिजिकल केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग विच शुड बी विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट और रेंज टू एंश्योर प्रोडक्ट ऑफ डिज़ायर क्वालिटी तो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट जो है किसी भी ड्रग के वो फ़िज़िकल केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट के विदिन ही होनी चाहिए ठीक है जो विद एक पर्टिकुलर रेंज में जो है वो ये प्रॉपर्टीज़ जो है तीनों प्रॉपर्टीज़ फ़िज़िकल केमिकल और माइक्रो माइक्रोबाइलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो विद इन रेंज ही होनी चाहिए ठीक है विदिन एक्सेप्टेबल लिमिट ही होनी चाहिए ताकि जो है जो हमें ड्रग हासिल हो वो डिज़ायर क्वालिटी की ड्रग हमें मिले एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एग्ज़ाम्पल्स हैं जैसे कि वेट पर एम एल एस से टोटल बैक्टीरियल काउंट ठीक है यहाँ पे वेट पर एम एल जो है वो एग्ज़ाम्पल है फिज़िकल प्रॉपर्टी का ठीक है ड्रग की फिज़िकल एट्रीब्यूट का और अगर हम बात करें केमिकल प्रॉप प्रॉपर्टी की तो उसका एग्जांपल है यहाँ पे एस और टोटल बैक्टीरियल काउंट जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है तो ये सब हैं एग्जांपल्स क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दोनों को एस्टैब्लिश किया जाता है दोनों की लिमिट जो है निकाली जाती है और दोनों का लिंक जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है ठीक है दोनों में लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है कैसे आइए चलते हैं जानते हैं इग्ज़ाम्पल के तौर पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर हमने देखा था पिछले मशीन स्पीड ठीक है तो ये मशीन स्पीड जो है उसका जो है वो ऐसा पैरामीटर है अगर उसको प्रॉपर कंट्रोल किया जाए तो वेट वेरिएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं टैबलेट की वेट वेरिएशन को कंट्रोल किया जा सकता है और भी बहुत सारी वेरिएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है ठीक है तो ये मशीन स्पीड जो है एग्जांपल है क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और इसके साथ जो लिंक है जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट वो है वेट वेरिएशन ठीक है तो इस तरह से अलग अलग जो है वो पैरामीटर्स को लिंक किया जाता है रिस्क असेसमेंट के थ्रू ठीक है रिस्क असेसमेंट के थ्रू जो है वो लिमिट एस्टेब्लिश की जाती है जैसे कि कंप्रेशन फोर्स की जो है कितनी कंप्रेशन फोर्स होनी चाहिए पर्टिकुलर हार्डनेस लाने के लिए ठीक है ब्लेंडिंग टाइम क्या होना चाहिए ब्लेंडिंग आर क्या होनी चाहिए इसका जो है जो है ब्लेंडिंग टाइम का डायरेक्ट ब्लेंडिंग टाइम जो है वो एक ऐसा क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर है जिसका जो है डायरेक्ट लिंक है ब्लेंड यूनिफॉर्मिटी से ब्लेंडिंग टाइम ब्लेंडिंग आरपीएम ये दोनों क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं ऐसे क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हैं जिन पे जो है ब्लैंड यूनिफॉर्मिटी जो है वो डिपेंड करती है ब्लैंड यूनिफॉर्मिटी एक क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है ठीक है तो इस तरह से हमने जाना कि देखिए कैसे क्या होते हैं क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर और क्या होते हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और दोनों में किस तरह का लिंक होता है कैसे लिंक इस्टेब्लिश किया जाता है आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू बाय टेक केयर